हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कार्यालय कलेक्टर डीएमए जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें तीन प्रकार के पद हैं। लेखापाल, वित्तीय और विकास सहायक के तीन पद हैं। इसका जो विज्ञापन है 20 अप्रैल 2023 को यहाँ पर जिले की वेबसाइट में जारी किया गया है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा या फिर इसके जिले की वेबसाइट में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम इस पर बात करने वाले हैं कि DMF जिला कोंडागांव के अंतर्गत यहाँ पर आप 9 मई 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर डाक के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं पद जो है, सबसे पहले पहला पद है जो है विकास सहायक का, केवल एक ही पद है, संविदा के रूप में रहेगा जितने भी पद हैं। इसके लिए एक पद है विकास सहायक, ₹75,000 एकमुश्त वेतन दिया जाएगा, जो कि आपका अनारक्षित है, यानी कि कोई भी वर्ग के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष होना चाहिए और योग्यता की बात किया जाए तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंक के साथ यहाँ पर स्नातक कंप्लीट होना चाहिए और प्रबंधन या मैनेजमेंट में आपका PG कोर्स होना चाहिए, MSW वगैरह या फिर MBA वगैरह किए होंगे तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पद है आपका लेखापाल का, इसमें भी एक पद है संविदा के रूप में। इसमें बेसिक जो सैलरी है 5,200 से 20,200 रुपये, 2400 ग्रेड पे यहाँ पर एकमुश्त 18,420 रुपये दिया जाएगा। यह जो पद है प्रतिनियुक्ति होगा, यानी कि जो पहले से कार्यरत है, जो सरकारी विभाग में किसी भी विभाग में कार्यरत है उनके लिए है ये वाला पद लेखापाल का। ये भी अनारक्षित है, आयु सीमा 21 से 65 वर्ष है। इसके लिए बीकॉम किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन 50% अंक के साथ, और या फिर आपने यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 के पद पर भी काम किया हुआ है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर का कोर्स, टेली सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए, PGDC वगैरह किए होंगे तो। तीसरा जो पद है वृत्तीय का, एक पद है या संविदा के रूप में फ्रेश यहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 11,360 रुपये एकमुश्त वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष अनारक्षित है, कोई भी वर्ग के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं पास होना चाहिए 50% के साथ और कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। अब इस पर बात करें कि चयन प्रक्रिया जो है आपका शैक्षणिक योग्यता 100 अंक का वेटेज यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें से शैक्षणिक योग्यता का 60 अंक और इंटरव्यू का 20 अंक यहाँ पर, जो कि केंद्र, राज्य, जिला स्तर के किसी परियोजना प्रबंधन में कार्य अनुभव को प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अनुभव की अर्हता पूरी न करने की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जो है इसके जो चयन समिति है उसको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब विकास सहायक के पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ये बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बाकी पद के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, 100 अंक का वेटेज रहेगा, देख सकते हैं। लेखापाल के लिए 60 अंक जो है योग्यता का रहेगा और कंप्यूटर परीक्षा का प्राप्त अंक 100 अंकों का वेटेज के हिसाब से 30 अंक दिया जाएगा और विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतन मान में कार्य अनुभव 10 अंक का दिया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। बाकी यहाँ पर पदों की संख्या 5 गुना यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा लेखापाल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वृत्ति के लिए है जो 8वीं पास मांगा गया था, इसमें केवल मेरिट सूची तैयार किया जाएगा शैक्षणिक योग्यता के परसेंटेज के आधार पर, ठीक है, इसी के बेस पे कोई यहाँ पर इंटर वगैरह कोई अन्य नहीं होगा। इसमें अनुभव का कोई यहाँ पर मान्यता नहीं है, अनुभव होगा तो अच्छी बात है बट यहाँ पर कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब जो पद है पूर्णतः अस्थाई है, जो कभी भी समाप्त किया जा सकता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर, तो जितने भी नियम हैं वो सब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और कोंडागांव जिले की वेबसाइट में इसका PDF मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही नए जॉब अपडेट्स के रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।